अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से विरोधियों के निशाने पर थे। अब भारत विरोधी सांसद से मुलाकात कर वह फिर से कटघरे में आ गए हैं। अमेरिकी सांसद इलहान उमर से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी को तीखी आलोचना सहनी पड़ रही है। भाजपा तो इस समय राहुल गांधी पर हमलावर है ही, लेकिन अब कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने भी राहुल गांधी की आलोचना की है। लक्ष्मण सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बस करो नेताजी, बहुत हो गया। इस पर बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि राहुल गांधी की इस बदनाम करने वाली यात्रा और देश विरोधी यात्रा को लेकर अब तो कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह को भी साफ करना चाहिए कि वह इसको लेकर क्या सोचते हैं। देश को बदनाम करने का षड्यंत्र और विदेशी मंचों पर भारत के लिए आ रहे आर्थिक निवेश को भ्रमित करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, उसका हर तरफ विरोध हो रहा है। देखिए, राहुल गांधी की भारत विरोधी और भारत को बदनाम करने वाली इस यात्रा में अब तो कांग्रेस ही सवाल उठा रहे हैं, और विशेषकर जब दिग्विजय सिंह जी के भाई सवाल उठाएं तो सवाल लाजमी है कि दिग्विजय सिंह इस पे क्या सोचते हैं। देश को बदनाम करने का षड्यंत्र और विदेशी मंचों पे देश में आ रहे निवेश को भ्रमित करने का जो कांग्रेस का प्रयास है, उसका चौतरफा विरोध हो रहा है, ये एक अच्छा विषय है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।